Sí, de acuerdo. Second option होगा submit non indented site. Second option हाँ ठीक है चलिए साइट ऑफ फोटो पहला पहला तो हो गया ना नहीं कोई दिक्कत नहीं है फ्रेश हम लोग लेंगे नहीं फ्रेश लेते हैं फ्रंट व्यू कीजिए फ्रंट 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 फिर से लीजिए फिर से बैक कीजिए बैक कीजिए बैक की हाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हॉरिजॉन्टल हाँ एक मिनट ये हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं ना हाँ ठीक है अभी लोकेशन सबको हो रही है एक मिनट तो ये जो शटर वाली दुकान है वो लगाना है कि जो ये वाला खुला हुआ दुकान है वो है नहीं खुला हुआ शटर ये दोनों एक ही है जो दोनों एक ही दुकान है ठीक है चलिए अलग से स्पेस है ना वो तो शटर हम लोग मतलब जो ये आगे लोकेशन एक मिनट मैं देख लेता हूँ सेव कर लीजिए इसको चलिए अब थोड़ा सा अपने दुकान से 20 कदम और दूर हो जाइए थोड़ा सा हल्का 20 कदम हाँ और सामने से ही और थोड़ा लॉन्ग व्यू में आएगा इससे आपके दुकान के अगल बगल का भी व्यू आ जाएगा लॉन्ग व्यू अच्छा अच्छा लॉन्ग व्यू हाँ मतलब और दूर जाइए दिखाइए मेरे को और दूर हाँ मतलब नहीं सामने दिख नहीं रहा है ना कैमरा को रखिए ना पोजीशन में रखिए ना कैमरा को तब तो पता चलेगा देख नहीं पा रहा हाँ ये मैसेज हटा दीजिए यहाँ से ऊपर से जो आ रहा है ठीक दुकान एक मिनट मैं देख लेता हूँ सामने ठीक दुकान को सामने में रखिए हाँ बिल्कुल दुकान के सीधो सीध मतलब सीध में रहिए बिल्कुल आप दुकान के सामने में रहिए बिल्कुल हाँ एक मिनट कहाँ है आपकी दुकान कहाँ है ये तो आप तिरछा फोटो आ रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ अपने दुकान के ठीक सामने में 20 कदम मतलब उसके ठीक सामने में जाइए मतलब रोड के उस तरफ जाके करके लीजिए फोटो ये कह रहा हूँ मतलब आप दूर जा रहे हैं वो हाँ आप जो दुकान है ना आपकी उसके ठीक उस तरफ जाइए जहाँ पे आपका ये टंकी वंकी रखी है ना हाँ उस तरफ से जाके लीजिए हाँ उस तरफ से आप तिरछे में हो गए मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ हाँ आप कैमरे को अपने दुकान की तरफ कीजिए हाँ नहीं नहीं कैमरे को हाँ टंगी के पास खड़े होकर कैमरे को दुकान वहां से आप दुकान की तरफ देखिए हाँ ठीक है बस हाँ ठीक है तिरछा मत रखिए बिल्कुल ठीक सामने में रहिए वो तिरछा फोटो तिरछा आ रहा है आप सामना मतलब दुकान के ठीक सामने में खड़े रहिए दुकान को हाँ बिल्कुल सीधी सीधी देख सीधे तरह से देखिए बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट अभी भी तिरछा है अभी भी तिरछा है और आप दुकान के ठीक सामने में खड़े होकर उसको ठीक सामने में फोटो लीजिए और थोड़ा पीछे ही रहिए और हाँ एक मिनट देखने दीजिए दुकान को सामने में देखिए दुकान आप रोड देख रहे हैं आप तो आप रोड मत देखिए ना दुकान देखिए ना दुकान देखिए अपनी हाँ बस ठीक है बस थोड़ा सा और 2 कदम और पीछे होइए 2 कदम और पीछे हो जाइए हाँ बस 2 कदम और पीछे हाँ बस फोटो ले लीजिए फोटो ले लीजिए हाँ ठीक है बस सेव कर लीजिए ओके अब क्या कीजिएगा जैसे आप जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिए ठीक है ना आप जहां पे खड़े हैं वहीं से खड़े रहिए यहाँ पे राइट व्यू कीजिए और दुकान अपने दुकान को किनारे में रख के जितना उसके राइट हैंड साइड में देख सके दाहिनी तरफ जितना दूर तक देख सके अपना अपना कैमरा का एंगल ऐसा सेट कीजिए कि आपका दुकान जो है बिल्कुल किनारे में रहे और राइट तरफ जितना दूर तक दिख सके कैमरा का एंगल ऐसा सेट कीजिए दिखाइए जरा मेरे को दिखाइए सामने दिखाइए अपना अपना हाँ कैमरा में कैमरा को अपने दुकान के एंगल में रखिए एक मिनट को देखने दीजिए
हाँ बस और थोड़ा सा क्या, और किनारा कीजिए, और थोड़ा सा राइट की तरफ देखिए, एंगल ऐसा दीजिए कि थोड़ा सा और राइट देख सके। हाँ और देखिए, और देखिए, और देखिए, हाँ और देखिए, नहीं फिर आप बीच सेंटर में ले आए अपनी दुकान को, सेंटर में मत रखिए, किनारे में रखिए, ये जहाँ पे ये दिखा, ये जगह नहीं, ये सेंटर में रखिए, इसको किनारे में रखिए और अपना एंगल को सेट कीजिए कि जितना राइट हैंड साइड नजर आ सके। हाँ बस ठीक है, छोड़ दीजिए, आप ले लीजिए, फोटो लीजिए, फोटो लीजिए, फोटो ले लीजिए, हो गया, हो गया, इसको भी सेव कर लीजिए। अब उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाला फोटो लीजिए, इसी तरह से आप मान लीजिए, हाँ लेफ्ट तरफ का लीजिए, मतलब दुकान को रखते हुए किनारे में लेफ्ट तरफ का जितना पोजीशन आ सके। हाँ ऊपर कीजिए, हाँ हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए, फोटो ले लीजिए फर्स्ट क्लास। अब क्या कीजिए, रोड का व्यू लीजिए, रोड को दाहिने, हाँ दाहिने तरफ रोड देखिए, बाएं पहले एक दाहिने तरफ का रोड का व्यू लीजिए पूरा, जिसमें आसपास के दुकान नजर आ जाए। दुकान आपका आना जरूरी है उसमें, केवल आप रोड का आपके दोनों तरफ का हिस्सा नजर आ सके, जितने दूर तक नजर आ रहा है देखते हैं, रोड का व्यू लीजिए। ले लिए, फोटो ले लीजिए ये वाला, हेलो, हाँ अब उसके दूसरी तरफ देखिए, रोड के दूसरी तरफ देखिए, हाँ मतलब आप रोड का लेफ्ट व्यू, हाँ एक राइट भी हो गया, एक लेफ्ट भी हो गया, हाँ ले लीजिए, हो गया सर, लेफ्ट और राइट दोनों हो गए ना, रोड भी हो गया, हाँ रोड का दोनों हो गया ना, लेफ्ट भी, लेफ्ट भी हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया सर, हाँ ठीक है। अब क्या कीजिए, थोड़ा सा आपके दुकान से आजू बाजू बढ़ जाइए, थोड़ा दुकान के आगे बढ़ के थोड़ा सा हल्का सा नियर बाई व्यू हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा अगल बगल में कोई एटीएम भी है आपके आसपास में? नहीं नहीं सर। नजदीक में कोई एटीएम नहीं है? नहीं है सर। कितने दूर तक एटीएम नहीं है? एटीएम होगा तो यहाँ पे लगभग लगभग 4 किलोमीटर होगा तो। किसका एटीएम है 4 किलोमीटर बाद? 4 किलोमीटर बाद किसका एटीएम है? मतलब पैसे पूरे पूरे यहाँ पे पत्ते चार पांच किलोमीटर वहाँ पर आईडीएफसी पीएनबी। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो एडिशनल एडिशनल व्यू कीजिए। हाँ एडिशनल मतलब अपने, हाँ अपने कोई अगल बगल का कोई बाजार का है ना अगल बगल में, मार्केट एरिया थोड़ा सा, मार्केट एरिया का थोड़ा सा देखे लीजिए, फोटो लीजिए, जियो का सामने, हाँ दे दिखाइए मेरे को, दे मेरे को देने, हाँ जियो का ले लीजिए, सेव कर लीजिए। अच्छा अब दुकान के ये हो गया, सेव हो गया ये जियो वाला फोटो।
ठीक है, अब आप दुकान के पास जाइए अपने। हेलो, दुकान के पास जाके ठीक अपोजिट का फोटो लीजिए, जो वो टंकी वाली दुकान नहीं है, दुकान के पास जाइए, दुकान के पास, दुकान के सामने का अपोजिट फोटो लीजिए, दुकान के अपोजिट व्यू, अपोजिट व्यू, अपोजिट व्यू। हेलो हेलो The person you are calling is not. हाँ, दुकान के सामने का अपोजिट व्यू। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, हाँ, दुकान के सामने का अपोजिट व्यू, अपने दुकान के ठीक सामने। जी, बिल्कुल सामने आ गया था। हाँ, दुकान के सामने का वो अपोजिट व्यू का फोटो लीजिए। हो गया, सेव कर लीजिए। आप दुकान के अंदर का इनर व्यू लीजिए। इनर व्यू, हाँ। अच्छा, आपका जो आपका दो शटर है तो करना क्या हो? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक शटर जो अभी आपका बंद शटर है उसी में एटीएम लगाएंगे क्या? और ये वाला पोर्शन आप अपना खाली रखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अभी मतलब आप लोग एटीएम कहाँ लगाने का प्लान कर रहे हैं? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप इसको इसका पार्टीशन कर सकते हैं ना। हाँ, तो जो वो एक शटर जो है ना उसी से आप अपना उसका आधा ये करके ना वो दीवार, तो आप ये कीजिए पहले अपने, हाँ, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं उसका एक अपने काउंटर का फोटो लीजिए, काउंटर का फोटो पीछे से जाके काउंटर का फोटो लीजिए। हाँ, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, काउंटर के अंदर का मतलब बाहर से अंदर की ओर देखिए, अपने दुकान के बाहर से अंदर की ओर देखिए, सामने में। हाँ, नहीं वो तो बाहर है ना, बाहर खड़े होके अंदर की ओर देखिए, गेट के पास खड़े होके अपने काउंटर की तरफ देखिए। हाँ, बस सामने वाला बोर्ड नजर आया, SBI सबका। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का बोर्ड नजर आया, बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब लीजिए फोटो, लीजिए फोटो ले लीजिए इसका, ठीक है? हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का बोर्ड नजर आना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ नजर आना चाहिए। हाँ, दिखाइए, ठीक है? ओके, मैं देख लेता हूँ, दिखाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ नजर आना चाहिए। हाँ लीजिए, हाँ लीजिए, बस ले लीजिए, ले लीजिए फोटो, ले लीजिए। हाँ लीजिए, बस फर्स्ट क्लास, ठीक है?
हाँ ठीक है ले लीजिए। फोटो खींच, हाँ फोटो खींच लिए ठीक है फर्स्ट क्लास। अच्छा आपका डेप्थ कितना है, मान लीजिए मतलब वो शटर का जो एक शटर जो बंद है उसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई होगी लगभग 8 फीट। जो एक शटर बंद है वो वाला, जो एक शटर बंद है। अच्छा और दूसरा अंदर डेप्थ कितना है? अंदर तो है 11.5। 11.5 तो अपने को क्या करेंगे ना, 8 फीट है ना, तो हम लोग को 8.5 भी काफी है। हम लोग क्या करेंगे ना, आपका 11 है ना, तो हम लोग को ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, हम लोग 8.6 8 फीट है आगे का फ्रंट आपका ना, हाँ तो 8.5 8.6 हम लोग ले लेंगे, बाकी जगह आपकी जैसे काउंटर लगा हुआ वैसे लगा रहेगा, ठीक है। हाँ अच्छा अब आप मेरे को ये जितना, अब ये एक मिनट सेव हो गया, ये भी जी हो गया। अब आप जाइए गैलरी में जाइए अपने, इसको एक मिनट सेव हो गया, नहीं पहले सेव हो गया। ठीक है चलिए आप गैलरी जाइए, गैलरी में जाइए अपने अपने इसको, हाँ इसको, हाँ इसको छोड़, इसको हटा दीजिए, गैलरी में जाइए, गैलरी में देखिए आपका एक, हाँ एल्बम में होगा प्रिज्म, ये फोन काट दीजिए, मैं अपने फोन के गैलरी में जाइए। तो एक मिनट गैलरी में देखिए, एक प्रिज्म करके एक फोल्डर बना हुआ होगा जिसमें ये सारे फोटोग्राफ होंगे जो आपने, हाँ तो उन सारों को ये कीजिए, उन सारों को सेलेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। अच्छा न्यू में है ना, न्यू करके है ना, उन सारों को सेव सेलेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। अच्छा दूसरा चीज क्या कीजिए, अभी आप साथ में अपना डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लिख लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मतलब अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जिससे भी आप ये काम धाम करना चाहेंगे, करंट अकाउंट का कैंसिल चेक, ठीक है, एक अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं नहीं मतलब जो दुकान, जो जो दुकान मतलब ये घर है इसमें कहीं और चल रहा है कि यही है, घर कहाँ है? नहीं घर ही अपना, तो है तो बस जो घर का है वही वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए ना, बाद में अपना करा लीजिएगा कमरे का मशीन। आधार हो गया, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, करंट अकाउंट का कैंसिल चेक हो गया, करंट अकाउंट अकाउंट का कैंसिल चेक, करंट अकाउंट का कैंसिल चेक हो गया, उसके अलावा फिर हाँ आपका अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिल ये सब है, जीएसटी के या कुछ लिया हुआ है, जीएसटी या कुछ ऐसा लिया हुआ है? पंजाब की बैंक का है क्या जीएसटी? हाँ तो जो उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, बैंक सर्टिफिकेट दे दीजिए, बैंक हाँ बस जिसका भी है, जो पीएनबी वाला सर्टिफिकेट है या बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी बैंक सर्टिफिकेट दे दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ना, जो सीएसपी का आपका उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, और दूसरा चीज आपका बैंक सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी लिया हुआ है? जीएसटी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है, आधार उद्योग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मेरे को दे दीजिएगा साथ में, फोटो कितने होंगे सर? दो ऐसे ही फोटो दे दीजिएगा, फोटो खींच के एक डाल दीजिएगा, पासपोर्ट साइज होना चाहिए बस। हाँ व्हाट्सएप पे ही, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे को अभी भेज दीजिए कि मैं आपका तुरंत अप्लाई कर लूँ, ठीक है। आपको पूरी प्रक्रिया पता है, अभी ये मैं सारा आपके फोटोग्राफ के साथ आपका पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, ठीक है। आपका अप्रूवल लेटर हो सकता है कल तक मिल जाएगा अपने को, LOI मिल जाएगा, लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। जैसे ही लेटर ऑफ इंटेंट मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आपको फिर कंपनी बैंक अकाउंट में नंबर दूंगा, उसमें आपको 50,000 रुपए डालने होंगे, ठीक है ना। हाँ यही प्रक्रिया है, और जैसे ही आप डालेंगे तब तक कंपनी का आदमी हमारे वहाँ पे काम करने के लिए आ जाएगा। अच्छा आप क्या कीजिएगा, आप 8 फीट और 6 फीट करके एक अगर पार्टीशन दे दीजिएगा ना, तो वो फुल शॉप का वो अच्छा तरह से, बहुत अच्छे तरह से एटीएम बना के देगा आपको, ठीक है। अगर हम लोग अगर मतलब ये नहीं करते हैं, पार्टीशन नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा हाँ वो फुल शॉप नहीं हो पाएगा वो सही तरह से। अब ऐसे क्या है ना, मैं आपको जो मैंने जो फोटोग्राफ भेजा है ना वैसा एटीएम बना के देगा आपको,
हाँ फुल चॉप कर लीजिएगा, तो उसमें आप पार्टीशन एक दीवार का खड़ा कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं देखिए, आपका जो स्पेस चल रहा है ना, पीछे का जो काउंटर चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है। हाँ तो आपने बताया कि आपका 11 फीट है ना, तो मेरे को आप 5.5 तक लेके 8-5.5 कर दीजिएगा, मेरा काम हो जाएगा। हाँ तो फिर आपका पीछे का जगह भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ तो वो आप पार्टीशन करके रेडी करके रख, अभी तो पहले मैं LOI दे देता हूँ, और जो हमारा एग्जीक्यूशन टीम वाला आएगा उससे सलाह लेके आपने उस हिसाब से कर लीजिएगा। वही वो दीजिए ना, वही वाला दे दीजिए ना, बाद में अपना चेंज करते रहिएगा। हाँ अभी आप यही वाला दीजिए, ठीक है। तो मेरे को भेज दीजिए कि मैं आपका सबमिट कर दूं सारा। साइट, हाँ ठीक है, साइट फोटो खोलिए, फ्रंट फोटो, फ्रंट दुकान के सामने जाइए, फ्रंट व्यू खोलिए। कैमरा दिखाइए, अपना दुकान को दिखाइए मेरे को, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखिए, लेटा के रखिए मोबाइल को, मोबाइल को लेटा के रखिए, लेटा के, खड़ा करके नहीं, लेटा के लेटाइए, लेटाइए मोबाइल को, हाँ लेटा के दोनों, मतलब हाँ लंबा हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, लेटा के, हाँ लेटा दिए मोबाइल को, हाँ बस, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा पीछे हो गया, हाँ फोटो खींचे इसका, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, ले लिए, हाँ रुक जा, हाँ मैं देखता हूँ मैं, हाँ ओके कर दीजिए, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, लोकल इन्फॉर्मेशन लेने दीजिए, रुक जाइए कुछ मत कीजिए, अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेगा आपका एरिया का, छोड़ दीजिए, सेव कर दीजिए, हाँ सेव। अब अपने दुकान से थोड़ा सा और 20 कदम पीछे, थोड़ा पीछे बढ़िए, तो दूर में जाइए, 20 कदम दूर ही जाइए, लॉन्ग लॉन्ग व्यू कीजिए, लॉन्ग व्यू को क्लिक कीजिए, लॉन्ग लॉन्ग व्यू कीजिए, बीस कदम दूर गए, कैमरा खोलिए, दिखाइए, हाँ दिखाइए मेरे को, दिखाइए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है, अब लीजिए फोटो लीजिए इसका, फोटो ले लीजिए, हाँ ओके कर दीजिए, छत ढला हुआ है ना, छत है ना आपका उसका दुकान में, मतलब ऊपर में छत है ना, हाँ ओके कर दीजिए इसको, ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए, और इन्फॉर्मेशन लेने दीजिए उसको, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिएगा, ठीक है, सेव कर दिए। अब क्या कीजिएगा ना, दुकान जो आपका जहां दुकान है ना, जहां पे है खड़े वहीं रहिए, ठीक है, ये राइट व्यू कीजिए, राइट व्यू कीजिए, राइट व्यू कीजिए, फोटो का कैमरा खोलिए, अच्छा आप जहां खड़े हैं ना वो दिखाइए मेरे को, उसको वहां से अपना दिखाइए, दुकान दिखाइए, अच्छा थोड़ा सा दुकान के दाहिने तरफ बढ़िए, दाहिने तरफ बढ़िए, दुकान से जहां पे है वहीं पे रहिएगा, उसी से थोड़ा दुकान से दाहिने तरफ थोड़ा सा और दूर जाइए, दाहिने दूर जाइए,
गए दाहिनी तरफ, ज्यादा नहीं, दो तीन कदम। हाँ आप दिखाइए, दुकान दिखाइए मेरे को। दिखाई दे रहा है। एक मिनट एक मिनट। हाँ दुकान से दाहिने 20 कदम गए ना। एक मिनट। अब क्या कीजिए, दुकान को किनारे में लेके जितना दाहिने तरफ देख सकते हैं, देखिए एंगल बनाइए, एंगल बना के दुकान को किनारे में लीजिए, बिल्कुल जहां फिनो वाला है ना वो बिल्कुल किनारे में यहाँ पे लाइए, फिनो को लाइए किनारे में लाइए, और उधर जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए दाहिने तरफ, ये दुकान को किनारे में रख के दाहिने तरफ जितना देख सकते हैं देखिए। नहीं नहीं अभी मत कीजिए, फोटो मत लीजिए, पहले दुकान को किनारे में रखिए, बीच में मत रखिए, दुकान को बिल्कुल किनारे में ले आइए ना। अब कैमरा का एंगल फ्रेम ऐसा सेट कीजिए कि ये दुकान किनारे में हो जाए, और राइट तरफ जितना देख सकते हैं दुकान से सटे हुए देखिए। हाँ मतलब दुकान को किनारे में लाइए, इधर लाइए किनारे लाइए, किनारे लाइए, हाँ और लाइए, और ले जाइए उधर, और ले जाइए उधर, नजदीक ले आए ना आपको, आप तो जूम कर रहे हैं, जूम नहीं चाहिए मेरे को, आप दूर से जाइए, आप दूर जाइए ना, आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जहां थे वहीं से 20 कदम दूरी से ही दुकान को किनारे में रख के जितना दाहिने तरफ देख सकते हैं देखिए, मतलब आए, मतलब आपके दुकान से सटे हुए लगभग नजर आए दूर तक, थोड़ा सा और दूर होइए, पहले और दूर होइए आप, क्योंकि पेड़ उड़ा है ना काफी ज्यादा, पता नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा और दो तीन कदम दूर हो जाइए, और पीछे चले जाइए, और थोड़ा सा चले जाइए, और थोड़ा सा और चले जाइए, और चले जाइए, हाँ बस 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 छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हल्का दुकान की तरफ लीजिए, हाँ बस 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 ठीक है, फोटो लीजिए, फोटो लीजिए, आपका दुकान दिखना चाहिए, हाँ फोटो लीजिए, फोटो लीजिए दुकान, हाँ बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हाँ बस 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 फोटो लीजिए, हाँ फोटो लीजिए, फोटो लीजिए, फोटो लीजिए, हाँ सेव कीजिए, ओके करके सेव कीजिए। ये एक मिनट, अब क्या कीजिएगा, ठीक है अब लेफ्ट व्यू कीजिए, लेफ्ट व्यू, हाँ फोटो लीजिए, अब दुकान, अब उसके दूसरी तरफ देखिए, मतलब बाएं तरफ देखिए, जितना दुकान किनारे में रहेगा जितना बाएं देख सकते हैं देखिए, दुकान को रख के बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ देखिए, जो दिख रहा है बाएं तरफ देखिए, जितना दुकान आ सके सटा हुआ, हाँ बस ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, बस दुकान आना रहना चाहिए, दुकान आना चाहिए, बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ले लीजिए फोटो ले लीजिए, ले लीजिए फोटो, हाँ सेव कीजिए, सेव कर दिए, सेव कर लीजिए, हाँ अब क्या कीजिए, केवल रोड देखिए, राइट रोड व्यू, राइट व्यू फ्रॉम द रोड, राइट व्यू फ्रॉम द रोड, दुकान देखने की जरूरत नहीं है, केवल रोड देखिए, और रोड के मतलब आप दुकान की तरफ, अपने दुकान से सामने की तरफ रोड की तरफ देखिए जितना दूर तक जा सकता है रोड, और उसके दोनों तरफ का दुकान, अपना दुकान की तरफ से एंगल हटा दिए, हाँ दाहिना देखिए, दाहिना तरफ देखिए, दुकान आने की जरूरत नहीं है, केवल आप दाहिने तरफ रोड देखिए,
दिखाइए दिखाइए मेरे को दिखाइए, हमारे जितना दूर तक केवल रोड नजर आ रहा है, रोड दिखाइए उसका, दोनों तरफ उसका। दुकान आना जरूरत नहीं है, हाँ बस ठीक है, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए इसका, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए इसका, हाँ फोटो ले लीजिए, ठीक है। दाएं तरफ, आप बाएं तरफ वाला रोड देखिए, हाँ इसको सेव कर लीजिए पहले, अब दूसरा बाएं तरफ वाला रोड देखिए, बाएं तरफ वाला रोड सेव कीजिए, राइट रोड वही व्यू है, उसके बाद सेकंड लेफ्ट रोड व्यू है, वो उसको सेव कीजिए, एक मिनट मैं उसको पहले सेव हो जाने, मेरे को हमको लेट दिखाई दे रहा है, अभी हम पहला राइटी वाले में अभी दिखा रहा है मेरा, हाँ ये सेव कर लिया, ये सेव है ना, हाँ ये नीचे में, हाँ लेफ्ट भी, ये कैमरा की स्टॉप क्यों कर दिए, ये छोड़ दिए, कैंसिल किए, कैंसिल, हाँ ये लेफ्ट लेफ्ट व्यू फ्रॉम द रोड, लेफ्ट व्यू फ्रॉम द रोड, हाँ खोलिए उसको, खोल दिया था, अब देखिए फोटो देखिए, देखिए बस, हाँ ठीक है, हाँ सेव कर लिए, मत करो इसे, नहीं करो इसे, हो गया सेव, ठीक है, बाकी सारी जानकारी तो आपको सही तरह से मिल गई है ना, समझ गए हैं ना सारी चीज को, हाँ मतलब जैसे अभी हम ये आपका जो सारा फोटोग्राफ ले रहे हैं, करंट अकाउंट है ना आपके पास, करंट अकाउंट है, हाँ ठीक है, करंट अकाउंट है, बिजली बिल है ना इस जगह का, क्या था इस जगह का बिजली बिल है ना, जगह का बिजली बिल रसीद होगा सर, बिल नहीं आता क्योंकि यहाँ पर अभी मीटर नहीं लगा है जगह पर, अच्छा मतलब आप अप्लाई कर दीजिए बिना भी, ये सेव कर दीजिए, अब क्या कीजिए, एडिशनल व्यू एक है आपके दुकान से थोड़ा सा आगे बढ़िए, कोई बाजार उजार जैसा नजर आ रहा है, अच्छा जैसा एडिशनल व्यू, एडिशनल व्यू, एडिशनल व्यू, एडिशनल व्यू, नीचे नीचे में एडिशनल व्यू है, कोई बगल में एटीएम वटीएम भी है आपके, हाँ एटीएम है, कौन किसका एटीएम है, इंडिया एटीएम, अच्छा ठीक है, इसको ये कीजिए, ये पहले एडिशनल व्यू में खोलिए, कौन खोलेगा, एडिशनल एडिशनल व्यू खोलिए, उसमें एटीएम के पास, कितना दूर है आपसे इंडिया एटीएम, एटीएम पूरा वही 40 कदम दूर है, तो 40 कदम दूर जाइए, वहां पे एटीएम के पास जाइए, सामने से दिखाइए मेरे को, जैसे आपका ये सारा डॉक्यूमेंट अभी हम सबमिट करेंगे ना, और साथ में आपका फॉर्म, तो आपका LOI आएगा, लेटर ऑफ इंटेंट आएगा, ठीक है, कल तक आ जाना चाहिए, जैसे दिखाइए सामने दिखाइए, अच्छा इसके बाद फिर ये आपका जगह कौन सा हो गया एग्जैक्टली, बांद्रा चौक हो गया, बांद्रा ब्लॉक चौक, बांद्रा, ये किस जगह पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर हो गया ना, दिखाइए मेरे को, दिखाइए सामने दिखाइए। हाँ बस ठीक है, बस फोटो लीजिए इसका, फोटो लीजिए इसका। हाँ सेव कर लीजिए। अच्छा इसका देखिएगा, इसका एक अंदर में जाके कोई पर्ची है, अंदर से उसमें देखिएगा, वहां पे कोई पर्ची होगा तो एटीएम आईडी उससे पता चल जाएगा, उसका पर्ची एक निकाल लीजिए ना कोई। हाँ एक पर्ची निकाल लीजिए। हाँ तो हाँ वही उठा लीजिएगा ना, कोई गिरा हुआ पर्ची उठा लीजिएगा ना। हाँ एटीएम स्लिप खोलिए, एटीएम स्लिप, उसको कहीं कहीं रखिए, एटीएम को स्लिप का फोटो लीजिए। नजदीक में लाइए स्लिप, स्लिप के नजदीक में लाके उसका फोटो खींचे, नजदीक लाके वो क्या हम हाँ पढ़ पा रहे हैं ना, वो जो आ रहा है वो पढ़ा जा रहा है ना, नजदीक से लीजिए कि सब पढ़ा जा सके। हाँ ठीक है, उसमें एटीएम आईडी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, एटीएम आईडी क्या लिखा हुआ है, ठीक है सेव कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा नियर बाय व्यू कीजिए, नियर बाय व्यू, अगल बगल का बाजार देखिए जरा, बाजार दिखाइए जरा अगल बगल, बाजार दिखाइए जरा अगल बगल का। हाँ नहीं अगल बगल का बाजार दिखाई ना कोई, अगर आसपास में कोई मार्केट जैसा है दिखाइए उसको। हाँ तो पेट्रोल पंप का फोटो लीजिए, पेट्रोल पंप का फोटो लीजिए। ये जैसे मैं बता रहा था ना कि कल LOI जब आपका आ जाएगा ना, तो हम आपको हिटैची पेमेंट सर्विसेज का एक बैंक अकाउंट नंबर देंगे, उसमें आपको 50,000 रुपए डिपॉजिट करना रहेगा, ठीक है। कंपनी बैंक अकाउंट में LOI मिलने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट आपके नाम पे अप्रूवल लेटर आएगा, ठीक है, और जैसे पैसे आप जमा करेंगे तब तक कंपनी फिर अपना वहां पे काम लगा देगा आपका, ठीक है। तो ये आप उसमें आप पूरी जगह दे रहे हैं, पूरा दुकान दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं उसमें? हाँ पेट्रोल पंप का फोटो लीजिए, सेव कर लीजिए। हो गया पेट्रोल पंप सेव कर लिए, आप जाइए दुकान के पास जाइए अपने। दुकान के पास पहुंच गए? हाँ दुकान के ठीक सामने अपोजिट साइड, आप दुकान के पास में खड़े हो गए, ठीक सामने वाला दुकान के ठीक सामने क्या है आपके, उसका फोटो लीजिए। दुकान का ठीक सामने फिनो पेमेंट बैंक का बोर्ड है, वो बोर्ड छोड़ के ना। नहीं नहीं आप तो दुकान वो तो आप फिनो तो आप अपने दुकान पे है ना आपका, आपके दुकान के सामने में क्या है? सामने में फुटवेयर है। हाँ तो दिखाइए उसको, दिखाइए अपोजिट व्यू देखिए, आप ऊपर में जाइए, ऊपर में जाइए, ऊपर में जाइए। हाँ ऊपर में देखिए अपोजिट व्यू है, अपोजिट व्यू, अपोजिट व्यू। हाँ उसको खोलिए, खींचे फोटो लीजिए, सामने में जो भी फोटो आ रहा है वो दिखाइए।
ठीक है जी, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा एक चीज बताइए, ये अभी आपका दुकान कितना बाई कितना है? मेरा दुकान सर तो अभी कितना अंदाजा बताइए ना, उसी में से फिर हम बताएंगे ना कितना भाई क्या। जैसे दुकान में और भी कुछ काम कर रहे होंगे ना आप? जी जी सेव कर लेंगे, काम कर रहे हैं लेकिन बस पीछे भी एक रूम है उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। हाँ तो इनर व्यू कीजिए, तो इनर व्यू कीजिए, इनर व्यू, इनर व्यू, इनर व्यू। हाँ दिखाइए अपने दुकान का अंदर का दिखाइए। आगे का फ्रंट कितना है, फ्रंट कितना फीट होगा? दिखाइए मेरे को दुकान, दिखाइए जरा। अच्छा दो गो शटर लगाया क्या दुकान में आपके? दो गो शटर है। हाँ तो एक शटर आप पूरा पूरा दे दीजिए एटीएम के लिए, ठीक है ना? एक शटर जो है ना आपके पास, दो एटीएम दो है ना, ये यश यश बैंक का है, इसको ले लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, यश बैंक वाला फोटो ले लीजिए, ठीक है? तो ये जो है ना, हाँ यश बैंक का, हाँ अंदर वाला पूरा काउंटर वाला पूरा फोटो ले लीजिए। अच्छा एक तरफ वो, दूसरा तरफ है ना, दो शटर है ना, तो एक शटर एटीएम के लिए दे दीजिए, एक शटर अपने काम के लिए रखिए। तो ठीक है, हमको चाहिए ये शटर का चौड़ाई और अंदर तक 6 फीट, बाकी आप अपने दुकान से मिला सकते हैं तो मिला लीजिए, ठीक है ना? ठीक है ना, या पूरा एक दुकान पूरा दे दीजिए, एक शटर वाला पूरा दुकान दे दीजिए, ठीक है? उसको पूरा फिर कंपनी बना देगी, अपना गेट वेट सब कुछ लगा के देगी। इसको सेव कर दे, हाँ सेव कर दीजिए इसको, ये सब सेव, इफ सेव हो गया। अब जाइए अपना उसका सेटिंग में, अपने मोबाइल के एल्बम में जाइए, गैलरी में जाइए, मोबाइल के गैलरी में। हाँ ये सारा का सारा आपका प्रिज्म करके सेव होगा, जितना फोटो लिए ना सब आपका प्रिज्म करके सेव होगा। जाइए जरा, क्या नाम होगा? प्रिज्म, हाँ प्रिज्म, PRISM, गैलरी में देखिएगा। करके तो नहीं, नहीं गैलरी में देखिए, ये तो आप फाइल में चले गए, गैलरी में जाइए, गैलरी में, ये आप फाइल में चले गए जी, गैलरी में, गैलरी में प्रिज्म करके होगा वो सारा फोटो जो ये अभी खींचे हैं वो सब सेव होगा। तो सबको सेव, सबको सेलेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, सबको सेलेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और लिखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजना है मेरे को। किसमें? नहीं नहीं पिक्चर में मत देखिए, पिक्चर में मत देखिए, आप ये कीजिए ना, आप नीचे देखिए, आप इसको खोलिएगा ना पूरा पिक्चर होगा, ये 3 फोटो थोड़ी होगा, आप पिक्चर पूरा खोलिए ना। ना 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 ये फोटो नहीं है, आप दूसरा कीजिए। नहीं नहीं ये फोटो नहीं, आप चीज देख रहे हैं, आप एल्बम सही तरह से खोली ना, आप एल्बम खोलिए, आप प्रिज्म वाला एल्बम खोलिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसमें जाइए, रुकिए रुकिए मैं बता रहा हूँ किसमें जाना है। अब गैलरी पहले खोलिए, फिर से अपना गैलरी खोलिए, नहीं फाइल मैनेजर नहीं खोली ना, आप खोली ना, आप गैलरी खोली ना पहले, गैलरी खोले, उसमें एल्बम होगा, अच्छा ठीक है, फाइल मैनेजर में खोल के देखिए, फाइल मैनेजर खोलिए, फाइल मैनेजर खोलिए, फाइल मैनेजर में, हाँ तो प्रिंस बुक में वो खोलिए, वो सारा को सेलेक्ट करके भेजिए मेरे को।
व्हाट्सएप पे डाल दीजिए मेरे। अब लिखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजना है मेरे को आपको। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, करंट अकाउंट का कैंसिल चेक, ठीक है, करंट अकाउंट का कैंसिल चेक, उसके बाद आपका करंट अकाउंट, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सारा सर्टिफिकेट फिनो का, पेनियर बाई का, जिसका जिसका है, सारा बैंक जो भी सर्टिफिकेट है, फिनो का सर्टिफिकेट होगा, पेनियर बाई का होगा, या और भी ये सी एस। सर वैसे तो तीन चार बैंक का है, तो सबका भेज दीजिए, दो तीन भेज दीजिए, जो भी दो तीन है भेज दीजिए ना। सी एस सी का मेन भेजिए, फिनो का भेजिए और पेनियर बाई का भेजिए, तीन का भेजिए, ठीक है। हाँ सी एस सी है कि नहीं है आपका? तो पेनियर बाई छोड़ दीजिए, स्पाइस का भेजिए, हीनो का भेजिए और सीएससी का भेजिए, तीन का भेजिए केवल बस, ठीक है, तीन का हो गया। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, करंट अकाउंट का कैंसिल चेक हो गया, जीएसटी वीएसटी लिए हैं क्या? जीएसटी लिए हैं? जीएसटी जीएसटी नहीं। आधार उद्योग? आधार उद्योग है सर। हाँ तो वो भेज दीजिए। सर आधार उद्योग है, वो जय माता दी कम्युनिकेशन के नाम से। तो उसे क्या दिक्कत है, भेज दीजिए ना। तो आप उसमें नाम कहना ये चाह रहा है कि अगर ये मकान मालिक के नाम से बिजली बिल ना हो, बगल वाला का है, उनका बिजली बिल ले सकते हैं ना? हाँ दीजिए ना। चलो इतना कर दे। लेकिन एग्रीमेंट एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट होगा वो उसी के नाम से होना चाहिए फिर, जिसके नाम से ये है बिजली बिल है, जमीन है। नहीं नहीं जिसके नाम से बिजली बिल है, या जमीन का कोई कागज देना पड़ेगा उसके नाम। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके नाम से नहीं, हमको मकान मालिक के जो आप मकान मालिक के नाम से बिजली बिल दिए और उसी के नाम से फिर हमको एक रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा, ठीक है। एग्रीमेंट हम अपना देते हैं तो मेरे नाम से बिजली बिल देना होगा। नहीं आपका वो जो है किसका, ये दुकान किसका है? साइड फोटो, साइड फोटो। हाँ ये बैग चाहिए, बैग चाहिए क्या? हाँ बैग है। साइड फोटो कीजिए, साइड फोटो। हाँ साइड फोटो। हाँ है। फ्रंट व्यू में जाइए दुकान के, ठीक से फ्रंट व्यू खोलिए। हाँ फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, लॉन्ग व्यू। हाँ खुला था। हाँ ठीक है, दुकान के ठीक सामने में जाइए, दुकान के सामने कैमरा दिखाइए मेरे को। हाँ हाँ दुकान के सामने में कैमरा दिखाइए। हाँ ये दुकान खुला है ना सटर, दिखाइए। आप अभी आप क्या कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि इसमें ये कीजिए ना, इसको चेंज कीजिए ना। आप अभी अब आपका दिखा रहा है ना, आप ये दुकान की तरफ। हाँ दुकान के दिख रहा है, देखा। ठीक है हाँ ठीक है, बस हॉरिजॉन्टल व्यू में लीजिए, ठीक है। सामने जाना पड़ेगा? हाँ ठीक, दुकान के ठीक सामने में रहिए ना, ठीक दुकान के सामने में रहिए ना, और मोबाइल को लेटा के फोटो लीजिए। हाँ लेटा के ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। हाँ सर। बार बार इसको क्यों चेंज कर देते हैं, फोटो आपका क्यों आ जाता है? नहीं आया तो ठीक है क्या? नहीं नहीं रुक जाइए, देख लीजिए मेरे को फोटो लिया कि नहीं आया। ओके किया? हाँ आप फोन पे बात करते रहिए और दूसरे को कैमरा हैंडल करने दीजिए। ठीक है ओके कर दीजिए इसको। ओके कर दिया सर। इसको सेव कर दीजिए,
पहले आ जाने, सेव कर दिए सर, कैंसिल कर दिए, सेव करिए ना, कैंसिल क्यों कर दिया, सेव करना चाहिए था ना। अरे सर जी तो इंटरव्यू करना पड़ेगा ना, फ्रंट व्यू। हाँ फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू पहले कीजिए, फ्रंट व्यू। हाँ ठीक, सामने में मोबाइल को लिटा के दूसरे आदमी को, क्या और एक आदमी नहीं है आपके पास? हाँ, है। हाँ तो उसके साथ साथ रहिए, उसको बोलिए कैमरा हैंडल करने के लिए। आप हाँ, हम आपको गाइड कर रहे हैं, आप उसको गाइड कीजिए, फोटो लीजिए। हाँ, तो, जी देखने दीजिए उनको। अब उस दुकान के ठीक सामने में 20 कदम दूर ही चले जाइए, दूर जाइए, लॉन्ग व्यू में जाइए उस दुकान से। उस दुकान के पीछे में हाँ थोड़ा सा ठीक सामने में 20 कदम दूर जाइए और उसको, हाँ आप फ्रंट व्यू में ये कैमरा को चेंज मत कीजिए, कैमरा का पोजीशन वही रहने दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, कैमरा का पोजीशन बार बार चेंज मत कीजिए, कैमरा का पोजीशन चेंज कीजिएगा। हाँ उसको मेरे को दुकान दिखाते हुए पीछे जाइए, अब पोजीशन चेंज करेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा ना। हाँ जाइए दिखाइए मेरे को। हाँ ठीक है, दुकान दिखाइए, पीछे जाइए और दूर जाइए, और दूर जाइए, और दूर जाइए। किचन में दुकान है ना, अभी नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सेव कर दीजिए। हाँ अब उसी जगह पे जहाँ पे खड़े हैं ना, हाँ, वहीं से क्या कीजिए, दुकान के साइड में लेके लेफ्ट तरफ देखिए जितना देख सकते हैं, ये राइट व्यू, राइट व्यू, राइट व्यू वाला खोलिए, राइट व्यू। अब उसमें हाँ आप कैमरा का पोजीशन मत चेंज कीजिए, कैमरा का पोजीशन हाँ, ये रहा वो आप फ्रंट, आप अपना सेल्फी वाले मोड में आ जाते हैं। नहीं नहीं हाँ मतलब देखिए ना, राइट तरफ देखिए ना, आप अपना दुकान को किनारे में रख के राइट तरफ देखिए जितना देखिए, राइट तरफ। हाँ राइट तरफ देखिए पूरा दुकान के लिए। हाँ दुकान को किनारे में रखें, सबसे किनारे में रखें, जितना राइट तरफ देख सकते हैं, दाहिने तरफ जितना देख सकते हैं। दिखाइए मेरे को कैमरा, दिखाइए कैमरा में, दिखाइए उसका दिखता है क्या वो। आप पोजीशन चेंज कर देते हैं ना, आप फ्रंट सेल्फी मोड में आ जाते हैं, इसको कैमरा का पोजीशन ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ दिखाइए दुकान की तरफ, दिखाइए दुकान की तरफ, दिखाइए कैमरा का व्यू, दुकान की तरफ दीजिए एंगल, दुकान की तरफ दीजिए। हाँ 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 ठीक है, कैमरा दुकान की तरफ। ठीक है ओके कर दिया। अब उसी तरह से लेफ्ट की तरफ देखिए, इधर इसको सेव कीजिए, सेव कीजिए। उसी तरह से लेफ्ट की तरफ देखिए, मतलब दुकान को किनारे में रखिए, लेफ्ट की तरफ देखिए जितना देख सकते हैं। अरे सर जी हाँ फर्स्ट क्लास ठीक है, ले लीजिए, सेव कर लिया, सेव कर लिया ना इसको। ठीक है अब रोड के बीचों बीच होके राइट तरफ रोड देखिए और एक लेफ्ट साइड रोड देखिए, राइट राइट व्यू करना पड़ेगा, राइट रोड व्यू और लेफ्ट रोड व्यू, सेव करिएगा इसको। सेव दुकान आना जरूरी नहीं है, केवल रोड देखिए। हाँ देखें 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 देखें।
बस जहाँ पे खड़े हैं वहीं से केल रोड के दोनों तरफ का दुकान देखते हुए जितना देख सकते हैं जितना दूर। हाँ मरा सही लाला करेंगे। हाँ कर दिया सर जी। ये बंदे देख रहा हाँ सर जी। एक बंदे देख रहा हाँ वो टानी है ना सर जी वो ये ठीक है। फिर अब उसकी दूसरी तरफ रोड की तरफ दूसरी तरफ देखिए। हाँ सर दूसरी तरफ लेफ्ट लेफ्ट रोड व्यू सामने आ जाऊंगा। हाँ सर जी दिखाइए वो तो ये इसलिए क्या सीएस पी का जो ये नहीं है सर जी अभी वोट तो नहीं है वो मैं कर लूंगा ना मैं आप देखे ना पहले इसको। हाँ ठीक है ठीक है। क्या ले लिया फोटो इसका भी। हाँ 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 सर जी हाँ ले लिया फोटो ले लीजिए। अब क्या कीजिए ना हाँ अब जाइए खोलिए उसको ये एडिशनल व्यू कीजिए एडिशनल व्यू। अब थोड़ा दूर में अब ये जो आपका दुकान है ठीक है और साथ में एसबीआई का बोर्ड एक फ्रेम में आ सके वो दिखाइए फोटो मेरे को। एसबीआई का फ्रेम आ रहा है इस दुकान को हाँ मतलब जो ये दुकान है आपका ना और वो एसबीआई वाला वो दोनों एक फ्रेम में आ सके तो ये एक फ्रेम में नहीं आएगा ना सर वो तो बैंड है ना वो टर्निंग है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे टर्निंग है क्या बैंड है क्या। हाँ वो तो टर्निंग है। अच्छा तो वो कितना अच्छा वहाँ पे जाके लीजिए एसबीआई के सामने जाके जाइए एसबीआई के पास जाइए एसबीआई के पास हाँ जाइए। आपका तो ये है ना फिनो का है ना। ना सर जी हम डीजीपी से काम कर रहे हैं आरबीएम से काम कर रहे हैं। हाँ तो उसका बोर्ड बैनर कुछ नहीं है आपके पास। बोर्ड नहीं है एक इसका सर्टिफिकेट दे देंगे हम और वो जो सीएससी का जो बैंक ऑफ एसोसिएशन है का सर्टिफिकेट है ना। अच्छा ठीक है चलिए दिखाई जाइए पैसे आईबीएफ का जो आईबीएफ का सर्टिफिकेट है वो भी हम दे देंगे आपको। ठीक है दिखाइए मेरे को दिखाइए सामने तो सर जी सामने का एसबीआई का हां ले जाइए फोटो ले देख लीजिए फोटो लीजिए। हाँ देखिए सर जी दिखाइए हाँ बस फोटो ले लीजिए इसका एक। हाँ ले लिया ले लिए ना। हाँ ठीक है अब दुकान के पास जाइए अपने। हाँ ठीक है दुकान के पास जा रहे हैं हम। कौन सा वाला करना पड़ेगा सर जी। हाँ दुकान के पास गए ना अब अपोजिट व्यू कीजिए दुकान के ठीक सामने में क्या है वो खोलिए। दुकान के सामने क्या है। हाँ दुकान के अपोजिट में क्या है दुकान के पास खड़े होके अपोजिट सामने की तरफ रखिए। ठीक है सर जी दुकान के हाँ मतलब अपोजिट व्यू है ना ठीक सामने में। ठीक है सर जी देखिए रोड जो है ना रोड के उस तरफ क्या है दुकान के। हाँ देख आपको देख रहे हैं सर जी ठीक है फोटो ले लीजिए ये वाला। हाँ हाँ ले लिया।
हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, दिक्कत हो रहा है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं ना वो फोटो लीजिए ना, क्या दिक्कत, हाँ हाँ ले लीजिए सर जी, सेव कर लेंगे क्या? हाँ सेव कर लीजिए। हाँ अब क्या करना आप दुकान पड़ेगा? के अंदर का लीजिए, इनर व्यू लीजिए। हाँ सर जी, इनर व्यू ले लिया, सर कितना बाई कितना है दुकान, कितना बाई कितना है जितना लगेगा सर उतना का ज्यादा होगा। हाँ मतलब तभी कितना है उसका, हमको डालना पड़ेगा डायमेंशन कितना है, कितना वो तो हमको मापना पड़ेगा सर, हमको नहीं मालूम है ना, पूछ ले मतलब एक अंदाज से पता चल जाता होगा ना। तो जो आपका 10x10 लगेगा ना उसका ज्यादा होगा, कारण वो जो दुकान अच्छा है, दुकान काफी अच्छा है आपका। हाँ दुकान अच्छा है, जो ये मेटेरियल्स का दुकान है ना वो यही है दुकान। ठीक है सेव कर लीजिए इसको भी। हाँ सेव कर लिया था जी। अच्छा ये जो टर्निंग जो है वो ये कीजिए, ये कीजिए ना पीओआई कीजिए। हाँ हाँ टर्निंग के पास जाइए, टर्निंग के पास, टर्निंग के पास। हाँ वहाँ पे कुछ बाजार उजार जैसा है क्या, कुछ दुकान उकान है बाजार? हाँ ये तो प्रो बाजार है सर जी, दिखाइए ना वो बाजार की तरफ जाइए। हाँ ठीक है सर, देख लीजिए सर, दिखाइए। दिख रहे हैं सर जी, दिखाइए दिखाइए। दोपहर हो गया ना सर जी, इसलिए नहीं नहीं हाँ बस ठीक है फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए इसका। हाँ हाँ ले लिया सर जी। हाँ ठीक है सेव कर लीजिए, कर देंगे। हाँ सेव कर लीजिए। हाँ सेव कर लिए, अब जाइए उसका अपने उसमें जाइए दुकान के अंदर। नहीं नहीं इसमें हो गया सब, फोटो हो गया, अब आप जाइए अपना मोबाइल का इसमें जाइए, एल्बम में जाइए, गैलरी में। हाँ गैलरी में एल्बम में जाइए। गैलरी में आ गया, वहाँ पे देखिए प्रिज्म करके एक सेव किया होगा सारा फोटोग्राफ। हाँ आ गया, उसको सबको सेलेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप पे डालिए। तो पहले दिन का जो है सर वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, नहीं वो छोड़ दीजिए ये वाला के लिए। न्यू 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 22 अच्छा सारा फोटो भेजिए ना, 22 वाला फोटो है ना, 22 फोटो है, तो 22 जो फोटो है ना आज का फोटो केवल जो खींचा है ना वो भेजिए, जिसमें न्यू न्यू लिखा हुआ है ना वही भेजिए। हाँ केवल हाँ जो आज वाला है वही केवल भेजिए। हाँ तो वो तो अगर का हाँ हाँ बस तो ठीक है वही भेजिए, जितना आज वाला है वही वाला भेजिए, पहले वाला मत भेजिए। और अब आप अपना आधार कार्ड लिख लीजिए, क्या क्या भेजना है, आधार कार्ड थोड़ा सा भेज दिया सर जी। हाँ ये सब भेज दिया ना। हाँ अब कीजिए आधार कार्ड थोड़ा सा जी, थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया अपना। आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक का करंट अकाउंट का कैंसिल चेक, बैंक का करंट का, हाँ बैंक का चेक, बैंक चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल इस जगह का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। उसके बाद आपका एक अपना फोटोग्राफ, पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट फोटो, ठीक है पासपोर्ट फोटो हो गया। अपना सर्टिफिकेट सारा फेस दीजिएगा, स्पाइस वाला जो जो सर्टिफिकेट है सारा भेज दीजिएगा। हाँ जो भी आपका सर्टिफिकेट है सारा, स्पाइस का, आरबीएल का जो भी सर्टिफिकेट है सारा भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छा और आधार, ये ट्रेड लाइसेंस है? हाँ ट्रेड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस दे दीजिएगा। ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ऑल सर्टिफिकेट,
सीएससी वाला, आरबीएल वाला, सारा जो है स्पाइस वाला जो भी सर्टिफिकेट सब दे दो, तीनों उनो जो भी है ना सब सर्टिफिकेट दे दो। हाँ वो ऑल सर्टिफिकेट, ऑल सर्टिफिकेट हो गया। हाँ बस ठीक है, ये सब भेज दीजिए मेरे को। साइड फोटो तो सर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो तो घर वाले क्या है ना। हाँ मकान मालिक, उसको दिक्कत नहीं, मकान मालिक के नाम से उन, अच्छा वो रेंट एग्रीमेंट आपने करवा लिया ना। हाँ रेंट एग्रीमेंट आपका साइड देखने के लिए नहीं किया सर जी, आगे कर लेंगे। हाँ तो लेकिन रेंट एग्रीमेंट आगे बना लीजिएगा आप उनसे।